बेटियां ना कभी पराई थीं और ना कभी पराई होंगी। अगर कहीं कोई परायापन है तो वह है माता पिता द्वारा बेटे और बेटी की परवरिश में किया जाने वाला भेदभाव। बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं होती, बल्कि उनमें अपने माता पिता का नाम रोशन करने और राष्ट्र के लिए कुछ कर दिखाने का जोश और जज्बा बेटों से भी कई गुना अधिक होता है। प्रस्तुत कहानी घर परिवार से उपेक्षित आराध्या नाम की एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश में संघर्ष का मार्ग नहीं छोड़ती, जिसके हर कदम पर परेशानियां अपना नश्तर चुभोती हैं, मगर वह हिम्मत नहीं हारती और मुसीबतों के समंदर को पार करके अपनी मंजिल पर पहुंचकर पुरुष प्रधान समाज के सिर का ताज बन जाती हैं। आ गया मेरा बच्चा, मेरा राजा बेटा आ गया। तो पीछे रखो, ये तेरे लिए लगा रही थी प्लेट, मेरा प्यारा बच्चा। खाओ खाओ। और मुझे खुशी दिया। जब इसे कुछ खाने के लिए देती हूँ तुझे तभी भूख लगती है। स्कूल में लंच बॉक्स दिया था ना, खाया नहीं क्या? अच्छा रुक। नहीं मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, किचन में सारे बर्तन फैले पड़े, जाकर देख। जा तो खा। क्या हुआ राजा, तुम खा क्यों नहीं रही? माँ की आदत देख रहे हो दीदी, चाहे पहनने के कपड़े हो या खाने का सामान, हमेशा भैया को ज्यादा देती है। स्कूल के लंच बॉक्स में भी भैया को अच्छा खाना देती है और मुझे बचा हुआ खाना देती है। माँ मुझसे प्यार नहीं करती। चुप कर, तू तो बड़ी होकर पढ़ाई घर चली जाएगी और ये बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा, है ना बेटा? इसकी बराबरी मत किया कर, जो तुझे खाने को दिया जाए वो खा लिया कर। दीदी को देखा, कभी भी नहीं कहती है, जो देते हैं वो चुपचाप होकर खा देती है, तेरी तरह नखरे नहीं दिखाती। मैं सच कह रही हूँ माँ, आप मुझसे प्यार नहीं करती। नहीं करती तो ना से चल यहाँ से। मंदिर में नारी है शक्ति, घर में बेबस क्यों? अच्छा दे,
सीएम बन के दिखाऊंगी और आज से पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं करूंगी। क्या बोला? क्या बोली? घर का काम नहीं करेगी और पढ़ाई खा जाके हमारी नाम कटवाएगी? क्या चाहती? क्या चाहती है तू? तेरी बीमार माँ तेरी दीमारदारी करते करते अपने अपने प्राण जाते। आप रहने दीजिए पापा, अगर माँ के बारे का इतना ही ख्याल होता ना तो रोज शाम को शराब की बोतल खोल के नहीं बैठते। माँ का आपका भी डॉक्टर से इलाज करवाते। अच्छा, बहुत समझ चला लिए, मुझे सिखा दिया। ठहर जा भी तू। बस तू बस, आपके मारने से इसकी लंबी जुबान छोटी नहीं हो जाएगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था, रवि के बाद मुझे ऑपरेशन कराने दीजिए। हमारे दो संतान ही काफी है, एक ही सिर दर्द और हो गई। माँ, बेटियां माँ बाप के लिए सिर दर्द नहीं होती है, बल्कि आपकी जैसे सोच रखने वाले माँ बाप की वजह से आज घर और समाज में बेटियों की उपेक्षा की जाती है। और मैं आपको क्या बनके दिखाऊंगी। तुम क्या कर सके? बैठी जाती है यहाँ। क्या हुआ? खाना नहीं खाना क्या? माँ, आपकी बातों से मेरा पेट इतना भर गया है कि अब खाने के लिए बिल्कुल जगह ही नहीं बची है। मैंने अपनी बातों में ऐसा कौन सा जहर घोल दिया जो तेरी भूख मिट गई? माँ, आपकी बातें जहर से भी ज्यादा जहरीली होती हैं। और जब तक आप जैसे माता पिता बेटियों को प्रायधन समझकर उनका कन्यादान करते रहे ना, तब तक उन पर होने वाले अत्याचार कभी बंद ही नहीं होंगे। बेटी का कन्यादान करना तो माँ बाप के लिए सौभाग्य की बात होती है, ये हमारी संस्कृति और वेद शास्त्रों ने कहा है। आखिर हमारी संस्कृति और वेद शास्त्रों में कन्यादान का ही चरण क्यों, माँ बेटा दान क्यों नहीं? बेटे अपने माँ बाप के वंश वेद को आगे बढ़ाती हैं और बिटिया अपने ससुराल में मालकिन होती है। माँ, ये सब बकवास है। ये पुरुष प्रधान द्वारा बनाए गए ऐसे रूढ़िवादी कुप्रथा है जो नारी जाति को कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। ऐसा कौन सा हिंदू धर्म ग्रंथ है, कौन सी सनातन संस्कृति है जो माता पिता की सेवा न करने के लिए कहता है और उनको घर से बेदखल होने की बात करते हैं? माँ, कौन सी ऐसी परंपरा है जो बेटियों को उनकी अधिकार छीनने की सिफारिश करती है? ये सब पुरुष प्रधान समाज द्वारा बनाई गई ऐसी रूढ़िवादी कुप्रथा है जो नारी जाति को सदियों से गुलाम बनाई हुई है। लेकिन गुलामी की बेड़ियां अब टूट रही हैं, बेड़ियां घरों की दहलीज को पार कर रही हैं। तभी पुरुष प्रधान समाज में आज सांप लौट गया है। नारियों को सदियों से गुलदस्ते के फूल की तरह सजाने वाले कुछ चंद ही लोग हैं जो उनकी आजादी पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, लेकिन अब वो वक्त गुजर गया है। तो अब क्या करेगी तू? माँ, जो दूसरी पढ़ी लिखी लड़कियां करती हैं, आज बेटियां परिवार पर बोझ नहीं रह गई हैं, आज वो परिवार का उद्धारक बन चुकी हैं। माँ, बेटियां अपने बुजुर्ग माता पिता की जीवन नया की मजबूत पतवार हैं। आज बेटियां बहुत आगे हैं माँ, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, शिक्षा जगत का क्षेत्र हो, या कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल हो, या राष्ट्रीय सुरक्षा का क्षेत्र हो, या समाज सेवा का क्षेत्र हो, यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी अपना वर्चस्व कायम कर चुकी है माँ। और आप जैसे माता पिता अभी तक उनको कमजोर और बेबस समझते हैं। अपनी सोच को बदल दो माँ, आज जमाने के साथ साथ बेटियां भी आगे बढ़ चुकी हैं। किसी जमाने में अपना समझी जाने वाली नारी आज सबला बन चुकी है जो मौत से भी लड़ने का हौसला रखती है। स्कूल की फीस देने के लिए कोई पैसा नहीं है, ठीक है?
और देख तेरी पढ़ाई वढ़ाई बंद, बस बहुत हो चुकी पढ़ाई। मेरे से 12,000 रुपए मांगे, कोई लाख रुपए नहीं मांगे। तेरी समझ में नहीं आता, मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया। क्यों नहीं है, भैया की पढ़ाई के लिए पिछले साल 1.5 लाख रुपए थे आपके पास, और मेरे लिए 12,000 रुपए नहीं है। आखिर वो आपका लाडला बेटा है ना। बहुत जुबान निकल गई है तेरी, ये हमारा लाडला नहीं होगा तो क्या दुश्मन होगा? आखिर बेटा है ही हमारा। हाँ लाडला है ना, तभी तो इतने पैसे खर्च करवाने की बात थी। फेल होके घर बैठ गया और मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया, और उसके बावजूद भी आपके पास मेरे लिए 12,000 रुपए नहीं है। आपके बेटे तो लाडले होते हैं ना, और बेटियां दुश्मन। अरे तेरी जबान बहुत चलने लगी है, बहुत लंबी हो गई है, तेरा पर भी बहुत निकल आया है। कान खोल कर सुन ले, अब तेरी फीस के लिए मैं एक पैसा नहीं दूंगा, समझे? घर में कोई खजाना नहीं रखा हुआ है, और जो कुछ थोड़े बहुत पैसे रखे हुए हैं उससे पहले अंजलि की शादी होगी, उसके बाद तेरी। आप मेरी शादी की फिक्र करना छोड़ दीजिए, जब मैं पढ़ लिख कर कामयाब हो जाऊंगी तब शादी के बारे में सोचूंगी। और रही बात मेरी फीस की, तो मैं ट्यूशन पढ़ा के खुद जमा कर लूंगी, नहीं मांगूंगी फीस आपसे मैं। ये लड़की तो मेरे मरने के बाद मेरी अर्थ भी शांति से नहीं उठने देगी। तो वैशाली, अरे बिना तेरी आजकल बहुत जवान चलने लगी है। मम्मी पापा से ऐसे बात करते हैं क्या? दीदी आप भी ऐसी बात करती हो, आखिर मैंने गलत क्या कहा? सिर्फ अपने फीस की तो बात की थी। जब घर में पैसे ही नहीं है तो कहाँ से देंगे वो? आखिर मेरी फीस के लिए क्यों समस्याएं होती है? भैया के फीस के लिए पापा को चाहे कर्जा भी लेना हो तब भी ले लेते हैं। दीदी आप मुझे बताओ ना, आखिर बेटे और बेटियों में फर्क क्यों समझा सकते? पता नहीं क्या क्या बकवास करती रहती है, तेरी बात मुझे समझ में नहीं आती, कर तुझे जो करना है। बेटे ये मैंने तेरी शादी के लिए रखा था, ये जिसे तू अपने पास रख, तुझे अब अपने कॉलेज की फीस जमा करानी है ना, इसे बेचकर तो कॉलेज की फीस जमा करा सकती है। हाँ और देख इस बात का भी तेरे पापा को पता ना चले। लेकिन आपको क्या अपनी हरकतों से बात नहीं आती हो? और रही बात खाना बनाने
बना लिया कीजिए, जब मुझे खाना होगा तो मैं खुद बना लूंगी। ये सामान क्या तुम लेकर आई हो? मैं तुम्हें 2 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। अरे हम कितनी मेहनत करते हैं, जब जाकर ये सामान आता है। तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो और मेरी चीजों को आइंदा से हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? मैं सब जानती हूँ, तुम कितनी ट्यूशन देती हो और कितनी कोचिंग अटेंड करती हो, यारों के साथ बैठ के पार्क में कुछ छल्ले उड़ाती हो और बहाना आईएएस बनने का। यारों के साथ कुछ छल्ले उड़ाने का बहुत एक्सपीरियंस है भाभी आपको। भैया से शादी से पहले कितने थे यार, 2 या 4? बदतमीज कहेंगे? खबरदार, अगर हाथ उठाने की कोशिश की तो वरना हाथ तोड़ के ना एक हस्ती बना दूंगी, समझी? और सुनने कान खोल कर, जितना तेरा हक है घर में इतना मेरा भी है, समझी? क्या हुआ बहू? किसने मेरा हाथ मोड़ दिया? सुन लिया आपने, ये इस घर में अपना हक पाना चाहती है। इस घर में अपना हक पाने के लिए शादी नहीं कर रही है, इस प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देना चाहती है। ये मचान अपनी भाभी पर हाथ उठाती है। निकल जा, निकल जा, मंदिर में नारी है शक्ति, घर में बेबस क्यों? Peace.
बस क्यों मंदिर में नारी है शक्ति घर में बेबस क्यों नहीं, एकदम नहीं बेटे, कोई आंसू नहीं, समझी? आज से हमारी एक नहीं बल्कि दो दो बेटियां हैं। अंकल आपको नहीं मालूम मेरे वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम, मैंने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की है वहां पे। अगर मेरी जगह कोई भी और होता तो रियली सुसाइड कर लेता। लेकिन मैं फिर भी मैं वहां पर बर्दाश्त कर दी आई हूँ। ठीक है अंकल, अगर आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं ना तो आप मेरी बात माननी होगी। क्या बोला तुमने, हम तुम्हें बेटी मानते हैं? नहीं, तुम हमारी बेटी ही हो। बोलो क्या बात मानी? कि मैं यहाँ पे रहकर अपनी पढ़ाई भी करूंगी और जब तक आईएएस ना बन जाओ मैं जॉब करूंगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं आप लोगों पे बिल्कुल ही बोझ बनूं, इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करना चाहती हूं। हम तो यही चाहते हैं कि तुम संध्या की तरह पहले पढ़ लिख लो, उसके बाद कुछ सोचना। सुना सुना क्या कह रही है तुम्हारी मम्मी? नहीं आंटी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन प्लीज ये तो बात आप मेरी मान लीजिए ना। तुम्हें भी हमारी एक बात माननी है। क्या शर्त है अंकल आपकी? आज से तुम मुझे ना तो अंकल और न ही आंटी को आंटी, आंटी तुम्हारी माँ है और मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाप, समझी? जी अंकल। फिर अंकल मैंने कहा आई एम योर फादर और वो तुम्हारी माँ है, समझी? जी पापा। ये माँ, मैंने पहले ही आपसे कहा था अंजलि के साथ उसे भी विदा कर दो, लेकिन आपको अपनी शराब से फुर्सत मिलती तब ना। अरे बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे को परेशानी ये खाई जा रही है कि अब लोगों को क्या कहेंगे, क्या समझाएंगे उनको। सोचना समझना क्या है, कह देंगे पढ़ाई के लिए भाग गई है और अच्छा ही हुआ चली गई, मुसीबत ही थी, मरने की खबर आ जाए तो और भी अच्छा।
बहू। अरे कहीं नहीं मर रही वो, क्या भी होगी ठीक होगी। वो तो ठीक है बेटा, तुम तो जानते हो उसके रिश्तेदारों को पहले ही नहीं छोड़ते थे, अब तो उनको मुद्दा मिल गया हंसी उड़ाने का। अरे कहने दो, लोगों का काम तो यही है, पहले नहीं कहते थे क्या जब वो थी? आप परेशान मत हो, ढाई जाए नहीं पीनी, लेके जाए, परेशान मत हो, खाना खाओ और आराम से रहो। जरूरत नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने जो सैलरी एक्सपेक्ट की है, आपकी काबिलियत देखकर मुझे लगता है कि आपको उससे कहीं ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। तो आप कब से ज्वाइन करना चाहेंगे? सर मैं कल से ज्वाइनिंग कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार कर। अंकित कम इनसाइड। यस सर। अंकित जी, मैं सर आते हैं। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करो। ठीक है, कल से ज्वाइन कर रही है हमारी कंपनी, सब डिटेल इसी फाइल। ओके राजा, आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लीजिए वहां से और कल से आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू। हमारी बेटी ने आईएएस बनकर कमाल कर दिखा, देखा संधा, जैसे आराध्या ने सोचा वैसी बनकर दिखा। इस बात को ध्यान रखो कि जिंदगी में कोई भी चीज असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। इसलिए कहता हूं कि नेपोलियन बोनापार्ट यानी जो फ्रांस के सम्राट थे, उन्होंने कहा था, इम्पॉसिबल इज ए वर्ड मस्ट बी इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, यानी असंभव एक ऐसा शब्द है जो कि मूर्खों के डिक्शनरी में होना चाहिए।
भगवान मिठाई खाओ, बहुत खुशी हमारा। और तब तक मैं मोहल्ला वालों को मुंह मीठा करके आता हूँ, उसके बाद खूब खुशियां मनाएंगे, बाप के जिंदगी घर बैठेंगे, खुशियां मनाएंगे। बेटियां मानव समाज की श्रृंगार हैं, मानव जाति की जीवन रेखा हैं, वे शक्ति शौर्य और साहस का भंडार हैं। इस सच्चाई को आराध्या ने साबित कर दिया है, इसलिए पुरुष प्रधान समाज को बेटियों के प्रति बनी अपनी संकीर्ण मानसिकता को बदलना होगा।